चैलेंज के क्विज सीरीज की आज की हमारी 59 नंबर की वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सवाल नंबर एक, स्कॉट का आदर्श वाक्य कौन सा है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए भारत महान, ऑप्शन नंबर बी जय हो, ऑप्शन नंबर सी सजग रहो और लास्ट ऑप्शन है हम सब एक है। तो आपको बताना है स्कॉट का आदर्श वाक्य कौन सा है। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्कॉट का आदर्श वाक्य जो है यह सजग रहो है। इस सवाल के बाद हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर दो, लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति किस वर्ष शुरू की यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1832 में, ऑप्शन नंबर बी है 1833 में, ऑप्शन नंबर सी 1834 में और लास्ट ऑप्शन है 1835 में। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा शिक्षा पद्धति 1835 में स्टार्ट की गई। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर तीन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर बी जबलपुर में, ऑप्शन नंबर सी झांसी में और लास्ट ऑप्शन है झाबुआ में। इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है आप दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर चार, मानव घर किस महाद्वीप को कहते हैं यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका महाद्वीप को, ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप को, ऑप्शन नंबर सी यूरोप महाद्वीप को और लास्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है आप दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मानव घर यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर पांच, मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख गुरु का नाम आपको बताना है क्या है। ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी गुरु तेज बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक सिंह और लास्ट ऑप्शन है गुरु हरगोविंद सिंह। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है आप दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख गुरु कौन था, गुरु हरगोविंद सिंह जी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर छह, शनि ग्रह के छल्लों की खोज किसके द्वारा की गई थी यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कॉपरनिकस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी डाल्टन के द्वारा और लास्ट ऑप्शन है न्यूटन के द्वारा। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है आप दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शनि ग्रह के छल्लों की खोज गैलीलियो के द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर सात, टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंगों का, ऑप्शन नंबर बी अवरक्त तरंगों का, ऑप्शन नंबर सी अनुधैर्य तरंगों का और लास्ट ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंगों का। तो आपको बताना है टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है। तो इस सवाल के लिए समय शुरू होता है आप दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त तरंगों का इसमें यूज किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर आठ, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है इनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष जी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड क्ले, ऑप्शन नंबर सी प्रेम रस जी और लास्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी जी। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है अरविंद घोष जी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर नौ, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर सी बंगाल में और लास्ट ऑप्शन है भोपाल में। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों।
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अदीना मस्जिद जो है यह कहाँ स्थित है, बंगाल में। चलते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर, सवाल नंबर 10, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 230 फीट, ऑप्शन नंबर बी 240 फीट, ऑप्शन नंबर सी 250 फीट और लास्ट ऑप्शन है 260 फीट। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है आप दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 240 फीट। तो यह आज का हमारा अंतिम सवाल था दोस्तों। आज के 10 सवाल आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं, कितने सवाल आपके सही हुए इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में भी जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप अपना प्यार व स्नेह ऐसे ही बनाए रखें, वीडियो को लाइक करते रहें और सभी दोस्तों को शेयर करते रहें। लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। जय हिंद।